नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं तीर्थों के राजा प्रयागराज में और आपको दिखाते हैं ओम प्रकाश वर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ मेले के अंदर पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेले में साफ सफाई का बड़ा ही ध्यान दिया गया है। मोदी जी का क्लीन और साफ सुथरा इंडिया यहाँ आने के बाद पता लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हर बार कुंभ मेले में बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते थे, गंदगी बहुत होती थी, लेकिन इस बार चारों तरफ साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। वहीं अक्षय वट वृक्ष मंदिर आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष बार इस बार खुले हैं। 15 जनवरी से 4 जनवरी तक ये कुंभ मेला चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए तंबुओं की व्यवस्था की गई है। 3 नदियों के संगम तक जाने के लिए अनेकों नाव व किश्तियों का पूरा इंतजाम किया गया है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना घट सके इसके लिए चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस तथा BSF के जवान हर वक्त हर जगह तैनात रहते हैं। देश भर से और देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि पर्यटकों की भी भारी भीड़ लगी रहती है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, पुरातन रीति रिवाज और आध्यात्मिकता का संगम है। कई वर्षों बाद आने वाला ये मेला पूरी दुनिया से पर्यटकों और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक कि प्रवासी पक्षी भी ये कुंभ का स्नान करने के लिए अवश्य पहुँचते हैं। यहाँ पर चारों तरफ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और अद्भुत नज़ारा इन प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर खींचता है। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया यहाँ पर सिमट कर रह गई है। शांति और आध्यात्मिकता का ये अनोखा संगम यहाँ प्रयागराज में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ये विशेष रिपोर्ट।
में जो सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है उसमें सफाई की व्यवस्था भी शामिल है। इससे पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया और इस बार तो सफाई इतनी देखने लायक थी, जो प्रशंसनीय कार्य किया गया। दूसरा जो अक्षय वट इतने सालों के बाद खोला गया, हमने भी दर्शन किए, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि तो हिंदुओं की जो आस्था है उसको देखते हुए ये कार्य जरूर किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, प्रयागराज में इतनी व्यवस्था कभी नहीं हुई है, अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए मोदी का धन्यवाद। अब की बार जो अक्षय वट देखा वो सबसे अच्छा लगा, की बार इतने सालों के बाद खोला मोदी ने, बहुत अच्छा किया। इस बार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रयागराज में सफाई वगैरह सब बहुत अच्छी है, पहले कभी नहीं थी। इस बार यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया, मोदी जी का बहुत बहुत बड़ा।